जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी पाप है। गैर कानूनी मकानात और गाड़ियों को तोड़ने के बाद मध्य प्रदेश के छत्रपुर पुलिस ने मुस्लिम आरोपियों को शहर के मेन रास्तों से इनकी एक रैली निकाली और उस रैली में इन सभी को ये नारा लगाने पर मजबूर किया, जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पहले इस वीडियो को देखिए। भाई साहब जो छत्ता लग कर लो देखा आपने। आपको बता दूं, इनका जुर्म ये था कि इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले स्वामी की गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में पथराव देखने को मिले चंद सरपसंदों की तरफ से। इस पर इनके मकानों को निशाना बनाया गया और इनकी बीच रास्तों में रैली निकाली गई, जैसे कि ये पैदाइशी गुंडे हो, रोडी शीटर हो। मस्जिदों दरगाहों में पत्थर फेंकने वालों की कभी ऐसी रैली नहीं निकाली जाती और ना ही इनसे कहने को कहा जाता है कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, कभी देखने को नहीं मिला। इन वीडियो को भी एक बार देख लो और बताओ इन रास्तों में दहशत फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या इन लोगों ने जो किया क्या वो अपराध नहीं था। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जुर्म करने वालों का बाप बनने का इतना ही शौक है तो सब आरोपियों की इस तरह की रैली निकालें, तब पता चलेगा बाप हो या नहीं। बड़े से बड़े मुजरिम की साथ भी ऐसा नहीं किया जाता जैसा मध्य प्रदेश पुलिस इन मुसलमानों के साथ कर रही है, और जिसने जुर्म किया उस पर कार्रवाई करे और जुर्म करने वालों के बाप बनो, मगर सबको एक सम्मान तो देखो। इस तरह की नफरत बांटने से अमन नहीं आता, ना ही जुर्म खत्म होता है, इससे तो क्राइम और बढ़ता है। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस जबरदस्ती बाप बनने जा रही है, इस पर ना ही अब तक राहुल गांधी का मुंह खुला है और ना ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कुछ कहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें और देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।